सो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त एंड बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। एंड आज का वीडियो ना गाइस, आपका भाई कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करके सिखाने वाला गाइस, आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए। एंड आपको आज हेयर को वाइल्ड पेंट करना कुछ स्टेप से सिखाने वाला हूँ। एंड गाइस, मैं आपको ना अपने फेस को ना स्मूथ करना एंड व्हाइट करना एंड अपने बैकग्राउंड को डार्क ब्लैक करना सिखाने वाला हूँ। देख लीजिए, यहाँ पे इसका नोनोला फोटो है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। एंड मैंने इसी वाले फोटो को ना गाइस यहाँ पे एडिट किया हूँ, तो आप लोग देख लीजिए कितना हाई लेवल में फोटो एडिट हुआ है। तो अगर आपको भी कुछ इस टाइप की वाइल पेंट करना है हेयर पे एंड अपने फेस को स्मूथ करना है एंड व्हाइट करना है, तो अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते बिना स्किप किए तो 110% कुछ इस टाइप की एडिटिंग सीख जाएंगे। एंड इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी फोटो से वीडियो कराऊँ सबसे पहले आप तक पहुँच। एंड आपका भाई वीडियो को शुरू एंड करता है स्टार्ट, तो आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बने रहते हैं तो 110% मेरे तरह एडिटिंग सीख जाएंगे। एंड सबसे फर्स्ट आपको यहां से फोटो को अपने नोट वाले फोटो को शेयर करना होगा स्नैपशीट ऐप के अंदर। एंड गाइस, आप लोग वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। तो सबसे फर्स्ट स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर आपको आ जाना होगा। एंड आने के बाद आपको टूल्स वाले ऑप्शन पर एक बार टैप करना होगा। जस्ट मैं टूल्स पर क्लिक करता हूँ। एंड टूल्स पर क्लिक करने के बाद आपको टून इमेज वाले ऑप्शन पर एक बार टैप कर देना होगा। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ एंड थोड़ा सा ब्राइटनेस को प्लस कर लेते हैं यहाँ से हम लोग 33 के करीब। एंड कॉन्ट्रास्ट पे आते हैं, इसको हम लोग 22 के करीब प्लस कर लेते हैं। एंड सैचुरेशन पे आएंगे, इसको 100 माइनस कर देंगे, ठीक है। एंड अम्बिबांस बैंक और इसको देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग कुछ स्टेप्स 36 के करीब प्लस कर लेंगे। एंड हाईलाइटेड पाएंगे, इसको 100 माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे शैडो पे आएंगे, देख लेंगे शैडो को भी हम लोग कुछ स्टेप से देख लेते हैं। शैडो को हम लोग इतना मतलब इसको हम लोग यहाँ से 32 के करीब माइनस कर लेते हैं, ठीक है। एंड सबसे नीचे पे आएंगे और इसको देख लेंगे, ठीक है। इसको भी माइनस कर लेंगे हम लोग 100 के करीब एंड फोटो को डन कर देंगे। तो अभी फोटो का लुक देख लीजिए, पूरा ब्लैक हो चुका है, आप लोग देख लीजिए। तो आप वीडियो में स्टेप बाई स्टेप बने रहिए, आपको सब कुछ सिखाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको अब यहाँ पे तीर वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा। जस्ट मैं अभी तीर पे आ जाता हूँ, ठीक है। मैं तीर पे आता हूँ एंड नीचे भी वीडियो पे क्लिक करके टू न्यूज पे क्लिक करके ब्रश पे टैप कर देंगे। एंड ब्रश पे टैप करने के बाद क्या करेंगे, कुछ स्टेप से हम अपने मतलब बैकग्राउंड को कुछ स्टेप से डार्क ब्लैक कर देंगे, ठीक है। कुछ स्टेप से मैं अभी जस्ट जैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ना यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, स्टेप बाई स्टेप वीडियो देखते रहिए, आपको 110% कुछ स्टेप की रेटिंग सीख जाएंगे बहुत ही कम टाइम में। तो देख लीजिए आपको करना क्या होगा, कुछ स्टेप से यहाँ पे अपने मतलब बैकग्राउंड के मतलब केवल बैकग्राउंड पार्ट को ना ब्लैक कर देना होगा, जिस तरीके से अभी मैं कर रहा हूँ गाइस। तो इसको थोड़ा सा मैं जल्दी कर लेता हूँ। एंड गाइस, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जो बैकग्राउंड का कलर था वो पूरा ब्लैक हो चुका है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। एंड फोटो को गाइस डन कर देंगे। एंड फोटो को डन करने के बाद बैक पे आएंगे। एंड बैक पे आने के बाद यहाँ से फोटो को सिंपली हम लोग शेयर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से सिंपली हम अपने फोटो को शेयर कर लेते हैं लाइटरूम ऐप के अंदर। ये फोटो सेव भी हो जाएगा एंड यहाँ से शेयर भी कर लेंगे, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल यहाँ से लाइटरूम ऐप के अंदर इस फोटो को सिंपली ओपन कर लेता हूँ। जस्ट देख लीजिए, मेरा फोटो जो ना लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो चुका है। आपका फोटो लाइटरूम ऐप के अंदर जैसे ऐड होगा, आपको एक लाइटरूम का नोटिफिकेशन आएगा, जिस तरीके से मुझे आया है। आप सीधा लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन भी कर सकते हैं, नोटिफिकेशन पे टैप करके मेरे तरह आप लाइटरूम ऐप के अंदर पहुंच भी सकते हैं। मैं क्लिक किया हूं तो लाइटरूम ऐप के अंदर पहुंच चुका हूं। एंड आपको यहां पे एक ऑल फोटोज का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आप ऑल फोटोज वाले ऑप्शन पे एक बार टैप कीजिएगा, मैं अभी क्लिक करता हूं। एंड गाइस, क्लिक करने के बाद देख लीजिए मेरा फोटो यहां पे शो कर रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, अपने फोटो पे एक बार क्लिक करना होगा, जिस तरीके से भी मैं क्लिक कर देता हूं। एंड क्लिक करने के बाद आपको करना क्या होगा, सबसे फर्स्ट आपको लाइट वाले ऑप्शन पे एक बार टैप करना होगा। जस्ट मैं क्लिक करता हूं लाइट वाले ऑप्शन पे। एंड क्या करते हैं, हाईलाइटेड को माइनस कर देंगे। एंड देख लेते हैं शैडो को हम लोग कुछ स्टेप से 65 के करीब करेंगे। एंड व्हाइट्स को माइनस कर देंगे 60 के करीब। एंड ब्लॉकेट को हम लोग आएंगे, इसको भी हम लोग 40 के करीब माइनस कर देंगे। एंड कॉन्ट्रास्ट पे आएंगे, इसको हम लोग प्लस कर देंगे यहाँ से 33 के करीब। तो देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर फोटो का क्वालिटी। एंड इसी के बगल में यहाँ पे मिलेगा आपको कलर का ऑप्शन, ठीक है। तो आप कलर्स पे आइएगा एंड आपको मिक्स टूल पे क्लिक करना होगा। जिस तरीके से मैं मिक्स टूल पे क्लिक करता हूँ एंड हम लोग इस वाले टून पे आएंगे। सबसे फर्स्ट अब इस वाले टून पे आएंगे एंड इसका सिचुएशन माइनस कर देंगे, इसका सिचुएशन 81 के लिए माइनस कर देंगे एंड लेमनेस को 100 कर देंगे। तो देख लीजिए कुछ स्टेप से हो जाएगा। एंड हम लोग इस वाले टून पे आएंगे, ठीक है। इस पे आएंगे एंड इसका सिचुएशन माइनस कर देंगे, इस पे आएंगे इसका भी सिचुएशन माइनस कर देंगे। अब यहाँ से सिंपली हम लोग आएंगे यहाँ से ब्लू वाले टून पे, ठीक है। तो अगर देखिए इसका फर्क क्या है, अगर इसको प्लस करते हैं तो हेयर जो है ना यहाँ पे ब्लू हो जा रहा है एंड इसको माइनस करते हैं तो पूरा फीका हो जा रहा है। तो हमको पूरा फीका रखना है, ठीक है। इतना काम करके एंड रेड वाले टून पे आप वन नंबर पे आ जाइएगा, वन नंबर पे आइएगा एंड इसका सिचुएशन 100 प्लस कर लीजिएगा। इसको हम लोग यहाँ से 100 से कुछ कम कर लेते हैं, ठीक है, 72 के करीब कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से फोटो को डन कर देते हैं, ठीक है। अभी मैं फोटो को डन कर लेता हूँ एंड इसी के बगल में देखिए यहाँ पे एक इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसी के बगल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा एंड क्लियरिटी को प्लस कर लीजिएगा 52 के करीब एंड बिगिन वाले ऑप्शन को थोड़ा सा माइनस कर लीजिएगा, लगभग 10 के करीब मैं 10 के करीब कर लेता हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पे कुछ
स्टेप से बिफोर एंड आफ्टर फोटो का क्वालिटी देखिए, बिफोर एंड आफ्टर। एंड गाइस फोटो को अभी यहाँ से सिंपली हम लोग ओपन कर लेते हैं लाइटरूम ऐप के, सॉरी गाइस यहाँ से स्केचबुक ऐप के अंदर। एंड गाइस क्या करते हैं, स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर सबसे फर्स्ट तो इस फोटो को लेकर आ जाएंगे। एंड गाइस मैं अभी आ चुका हूँ, एंड यहाँ पे एक बार टाइप करेंगे, एंड यहाँ पे टाइप करेंगे फोटो आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कितना हाई लेवल में हमारा फोटो आ चुका है, ठीक है। एंड सबसे फर्स्ट आपको सिखाएंगे कैसे आप अपने फेस को स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कितना हाई लेवल में, ठीक है, मैं अपने आपको फेस को स्मूथ करना सिखाऊंगा, तो आप लोग वीडियो में स्टेप बाई स्टेप बने रहिए। तो इसके लिए सिंपली आपको आना होगा ब्रश वाले ऑप्शन पे, गाइस मैं अभी आ जाता हूँ। एंड आने के बाद क्या करते हैं आपको बताते हैं आपको कौन सा ब्रश सेलेक्ट करना होगा, आपको ए वाला ब्रश सेलेक्ट करना होगा। देख लीजिए आपको ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ठीक है, इस ब्रश को सेलेक्ट कीजिएगा एंड इसका सेटिंग अच्छे से समझिए, ठीक है। आपको सेटिंग पे आना होगा, ठीक है, यहाँ पे आइएगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे मेरा स्मॉज सेलेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आप। एंड आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, लेकिन आपको इस स्मॉज वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इसको आप सेलेक्ट करते तभी आप अपने फेस को मेरी तरह स्मूथ कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको कर लिया, इंडिया से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। हटाने के बाद क्या करेंगे आपको, अब क्या क्या सेटिंग करना है, फोलो को फोर स्ट्रेन को वन, इस दोनों को सेम। एंड जो इसका साइज है ये तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं 36 के करीब करके एंड कट कर देता हूँ। एंड कट करने के बाद कुछ स्टेप अपने फेस पर अपने ब्रश को अप्लाई करेंगे, साइज को थोड़ा सा प्लस कर देंगे। एंड प्लस करने के बाद कुछ स्टेप में अपने फेस में अपने ब्रश को अप्लाई करते हैं, ठीक है। देख लीजिए कितना हाई लेवल में फेस स्मूथ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत ही नॉर्मली तरीके से अपने फेस को स्मूथ कर पाएंगे, अगर इस पर वीडियो में स्टेप बाई स्टेप बने रहते हैं। तो पूरा कुछ रियल आज बताकर आपको बहुत ही एडिटिंग का मास्टर बनाने वाला है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कितना हाई लेवल में फेस को मैं अपने स्मूथ कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो आप भी इस तरीके से बहुत ही कम टाइम में कर पाएंगे, आप लोग देख लीजिए कितना हाई लेवल में फेस को मैं स्मूथ कर रहा हूँ। तो इस ब्रश का आप यूज करते हैं तो बहुत ही कम टाइम में अपने फेस को जो है ना मेरे तरह स्मूथ कर पाएंगे, आप लोग देख लीजिए कितना हाई लेवल में आपका भाई स्मूथ करा, ठीक है। एंड कुछ स्टेप से साइज को थोड़ा सा माइनस करेंगे, एंड माइनस करने के बाद कुछ स्टेप से यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। घबराइएगा मत, आराम से स्टेप बाई स्टेप आप लोग वीडियो को देखते रहिए, एंड सब कुछ आपको रियली तरीके से समझा देंगे, ठीक है। तो देख लीजिए कितना हाई लेवल में फेस को मैं स्मूथ एंड यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप अपने फेस को स्मूथ कर लीजिएगा, बहुत ही हाई लेवल में हो जाएगा इस ब्रश से, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ब्लैक एंड कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, ठीक है। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में पूरा कुछ रियल बता रहा है, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना हाई लेवल में फेस को स्मूथ कराए, तो हम लोग वीडियो को गाइस थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। एंड गाइस आप लोग यहाँ पे फेस का रिजल्ट देख सकते हैं, कितना हाई लेवल में मैं अपने फेस को स्मूथ कर लिया हूँ, ठीक है। एंड गाइस स्मूथ करने के बाद थोड़ा सा लिप्स को रेड करके बताएंगे, ठीक है, अपने लिप्स को थोड़ा सा रेड करेंगे। इसके लिए सिंपली हम लोग आएंगे ब्रश वाले ऑप्शन, सॉरी गाइस लेयर वाले ऑप्शन पे, एंड प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, इस लेयर पे क्लिक कर देंगे। एंड नॉर्मल पे आएंगे, एंड डार्कन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, एंड कट कर देंगे, एंड ड्रॉ कर देंगे, एंड आएंगे अब ब्रश वाले ऑप्शन पे, ठीक है। मैं यहाँ पे फिलहाल क्लिक करता हूँ, एंड लेवरी पे टाइप करके ब्रश को चेंज कर देना होगा, ठीक है। अब ब्रश को चेंज करने वाले ये वाला ब्रश आपको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखा हुआ मिलेगा, एंड आपको यहीं पे ये वाला ब्रश मिल जाएगा। तो ब्रश को चेंज कर देना होगा, एंड आपको सेटिंग पे आ जाना होगा। जैसे मैं सेटिंग पे अभी आता हूँ, तो इसका ऑपेसिटी 100 करेंगे, एंड इसका जो साइज है मैं 11 के करीब करके एंड कट कर देता हूँ। एंड कलर्स पे आएंगे, एंड रेड कलर को सेलेक्ट करेंगे, एंड कट कर देंगे हम। एंड गाइस कुछ स्टेप्स में अपने लिप्स पे कलर्स को अप्लाई कर देंगे, देख लीजिए कितना हाई लेवल में मेरा लिप्स रेड हो रहा है। इस तरीके से आप बहुत ही नॉर्मली तरीके से कर पाएंगे, अगर इस पर वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बने रहते हैं, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना होगा, तभी आप मेरे तरह कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग कर पाएंगे। एंड देख लीजिए लिप्स रेड हो चुका है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है। घबराइएगा मत, ठीक है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा रेड हो चुका है, यहाँ पे भी थोड़ा सा बन चुका है, ठीक है। तो सब कुछ आराम से कर देना होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा हो चुका है, तो इसको कम करने के लिए हम लोग आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल आएंगे, एंड इस लेयर पे टाइप करेंगे, एंड इसका ऑपेसिटी घटा बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो मैं इसका ऑपेसिटी 45 के करीब करता हूँ, देख लीजिए कितना हाई लेवल में फोटो लग रहा है, ठीक है। एंड आप थोड़ा सा हेयर पे कलर को अप्लाई करना सिखाएंगे, हेयर पे आप कलर्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे आएंगे, एंड प्लस पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, इस लेयर पे क्लिक करेंगे, नॉर्मल पे आएंगे, एंड इसका जो करना होगा वो सब सेटिंग बताएंगे। सॉफ्ट लाइट इसको कर लीजिएगा, सॉफ्ट लाइट की जगह कट कीजिएगा, ड्रॉ कीजिएगा, एंड ब्रश पे आइएगा, लाइब्रेरी पे टैप कर दीजिएगा, एंड यहीं पर आपको ए वाला ब्रश मिल जाएगा, ठीक है। तो इस ब्रश को सेलेक्ट करिए, ब्रश भी चेंज कर लीजिएगा, एंड आपको सेटिंग पे आ जाना होगा। मैं अभी सेटिंग पे आता हूँ, इसका ऑपेसिटी 100 इंच का जो साइज है मैं 41 के करीब
करके एंड कट कर देता हूँ। एंड कट करने के बाद कुछ स्टेप्स हेयर पे कलर्स को अप्लाई करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे, एंड यहाँ पे कलर्स को चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद भी कुछ स्टेप्स अप्लाई कर देंगे, ठीक है, यहाँ से अच्छे तरीके से। एंड यहाँ पे आएंगे एंड ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे, बस कलर्स को अपने मतलब चेंज कर देना होगा एंड आराम से मतलब कलर्स को अप्लाई करना होगा। ए वाला कलर आते हैं यहाँ पे, कुछ स्टेप से कर देते हैं, ठीक है। एंड फिर से आएंगे, फिर से ब्लू वाले पे आएंगे, एंड यहाँ पे कुछ स्टेप से कर देंगे, ठीक है। एंड इस पर आएंगे, फिर से हम लोग पीले वाले कलर सेलेक्ट करेंगे एंड कुछ स्टेप से कर देंगे यहाँ पे। देख लीजिए कितना हाई लेवल में कलर है, कितना बवाल हमारा फोटो लग रहा है, आप लोग देख लीजिए कितना हाई लेवल में हेयर पे कलर्स हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ बहुत ही नॉर्मली तरीका है, ठीक है। एंड यहाँ से हम अपने फोटो को सिंपली ओपन कर लेते हैं, यहाँ से सिंपली हम लोग अपने फोटो को ओपन कर लेते हैं टूलबिज ऐप के अंदर। एंड ये सब आपको वाइल्ड फाइंड करना सिखाएंगे बहुत ही हाई लेवल में, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट टूलबिज एप्लीकेशन के अंदर आपको आना होगा एंड हेयर पे वाइल्ड फाइंड करना सिखाएंगे बहुत ही ईजी स्टेप में। आप लोग वीडियो को स्टेप बाई स्टेप देखते रहिए, ठीक है। तो आपको इधर की तरफ थोड़ा सा आना होगा एंड आने के बाद आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, मैं अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड आपको सॉफ्ट स्मूथ वाले ऑप्शन पर एक बार टैप करना होगा, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। आप वीडियो में देखे, मैं थंबनेल में देखे होंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर मैं 5 नंबर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, देख लीजिए हेयर पे कितना हाई लेवल में वाइल्ड फाइंड हुआ है, आप लोग देख लीजिए। एंड होने के बाद मार्क्स पर क्लिक करेंगे एंड जो इरेजर का ऑप्शन है पहले लगे करना होगा तो इसको कर लीजिएगा। एंड अब क्या काम करना है, अपने आंख पर का जो वाइल्ड फाइंड होगा उसको आप लोग रिमूव कर लीजिएगा। एक काम बहुत ही नॉर्मली तरीके से आप कर पाएंगे एंड फोटो को डन कर देते हैं। एंड गाइस फोटो को डन किए हैं तो देख लीजिए हेयर पे कितना हाई लेवल में वाइल्ड फाइंड हो चुका है एंड फेस पे भी हो चुका है एंड कितना हाई लेवल में हमारा फोटो लग रहा है। तो गाइस मैं आशा करता हूं आप लोग वीडियो को समझ गए होंगे। तो मैं फिर से मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही।